हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहिबा मेडिकल एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी क्या होती है, हमारे जो शरीर है उसकी जो संरचना है उसका निर्माण किस तरह से होता है। ठीक है, हमारे जो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, हमारे जो सिस्टम होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, आज हम उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो एनाटॉमी है उसका निर्माण जो है वो कई हजारों सालों पहले हो चुका था। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ था, उसमें हमारे डिफरेंट टाइप के अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने सब ने अपनी अपनी थ्योरी दी और उनके आधार पर उन्होंने 6 रूल दिए। उस 6 रूल के आधार पर ही हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है उनका नाम रखा गया। ठीक है, तो अब अभी हम देख लेते हैं कि एनाटॉमी क्या होती है। ठीक है, एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, एना का मतलब समझे तो हम अप। ठीक है, और टॉमी, टॉमी का मतलब है टॉम। ठीक है, और टॉम का मतलब होता है कटिंग करना, क्या करना, कट करना। यानी कि एनाटॉमी के अंतर्गत जो है हम हमारे जो शरीर के ऑर्गन होते हैं, हमारे जो भी पार्ट होते हैं उसको कट करके हम उसकी स्टडी करते हैं, यानी कि हमारे जो स्ट्रक्चर है उसकी हम स्टडी करेंगे। ये जो एनाटॉमी है ये जनरली 2 वर्ड दिए गए हैं, हम इसको एनाटॉमी भी कह सकते हैं या फिर हम इसको कह सकते हैं डाइसेक्ट करना या डाइसेक्शन करना। ठीक है, ये दोनों ही टर्म दिए गए हैं एनाटॉमी की स्टडी करने के लिए। डाइसेक्ट करना मतलब कि उसको काट के देखना, उसकी कटिंग करना ने को ही हम क्या कहते हैं, इसकी एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, काटना। ठीक है, तो कटिंग करना या डाइसेक्ट करके भी हम जो ऑर्गन होते हैं उसको और देख सकते हैं। अब डाइसेक्ट करेंगे तो हम उसे काट के देखेंगे, काट के देखेंगे यानी कि इसका क्या करना है, हमको डिफ्रेंशिएशन करना। डिफ्रेंशिएशन किस चीज़ का करेंगे हम, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर हम कोई सा भी ऑर्गन ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं यहाँ पर कि हमारा ये एक स्टमक है। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक ऑर्गन है। ठीक है, हमारे इसमें बॉडी, फंडस, पाइलोरी, उन सब भी पार्ट हमारे स्टमक के होते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं। ये क्या है, हमारा एक ऑर्गन है। अब ये ऑर्गन है, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि ये हमारा ऑर्गन है तो हमारा कोई सा दूसरा ऑर्गन, हमने लीवर ले लिया, लंग्स ले लिया, किडनी ले लिया, तो इनको, इनके बीच को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसका डाइसेक्शन करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, उसको काट के देखते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी होती है, ये एक ह्यूमन की बॉडी हो गई। ठीक है, ह्यूमन बॉडी हो गई, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको कट करके देखेंगे, कट करके देखेंगे और हम उसका क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं, एक एक चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना मीन समझ में आ गया, एना का मतलब अप और टॉमी का मतलब होता है कटिंग करना। ठीक है, एनाटॉमी भी कह सकते हैं हम इसको या फिर इसको डाइसेक्शन भी कह सकते हैं। ये 2 वर्ड्स दिए गए, फर्स्ट एनाटॉमी और सेकेंड होता है हमारा डाइसेक्शन या डाइसेक्ट करना। ओके, तो डाइसेक्शन क्या है, डाइसेक्शन जो है, डाइसेक्शन एक कटिंग की प्रोसेस है। ठीक है, कटिंग की प्रोसेस है या फिर डाइसेक्शन को हम बोलते हैं, बोल सकते हैं कि ये हमारी एक टेक्निक है। इस टेक्निक की हेल्प से हम क्या करेंगे, तो इस टेक्निक की हेल्प से हम ऑर्गन को कट करके देखते हैं। ठीक है, तो जो एनाटॉमी होती है, ये जो पूरी एनाटॉमी है, एनाटॉमी क्या होती है, वाइड फील्ड है स्टडी की। मतलब एनाटॉमी जो है, जो एनाटॉमी में टॉमी वर्ड्स आया, टॉमी वर्ड जो है, टॉमी वर्ड किस से लिया गया, ये इसी से लिया गया हमारे एनाटॉमी से। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी एक वाइड फील्ड है, क्या है, एक वाइड फील्ड है किसकी, तो ये वाइड फील्ड है स्टडी की। ठीक है, एनाटॉमी क्या है, एक वाइड फील्ड है स्टडी की। ठीक है, लेकिन डाइसेक्ट करके हम ह्यूमन बॉडी का निर्माण हुआ है उसको काट कर देखा है, इसके ऊपर भी स्टडी हुई है और इसमें स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी इसको डिफाइन किया गया है और इसी से एनाटॉमी का क्या हुआ, नाम रखा गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमारे जो एनाटॉमी होती है, एनाटॉमी के अंतर क्या करते हैं, तो जो एनाटॉमी होती है, एनाटॉमी क्या होती है। ठीक है, हम दोबारा से लिख लेते हैं हम कि हमारा एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी की हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि एनाटॉमी क्या होती है। तो जो एनाटॉमी होती है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है। ठीक है, ये क्या होती है, साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इजीली समझ में अगर डेफिनेशन बनते, एनाटॉमी साइंस की वह ब्रांच होती है, क्या होती है, साइंस की एक ब्रांच है।
ठीक है, जिसके अंतर्गत हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। इजीली समझ में आ गया, यानी कि जहां पर हमें स्ट्रक्चर की स्टडी करना है उसको क्या बोलेंगे हम, एनाटॉमी बोलेंगे। ठीक है, एनाटॉमी लाइक हमारे एनाटॉमी जो है होती है उसमें, यानी कि जैसे कोई सा भी ऑर्गन हो गया, अभी हमने स्टमक की बात करी थी तो हम स्टमक ही देख लेते हैं, जैसे कि ये स्टमक है। ठीक है, स्टमक किस तरह से दिखाई दे रहा है, ये एक पार्ट है, ये कैसा दिख रहा है हमें, वो सारे जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी किस में आएगी, तो देखने वाली जो स्टडी है वो हमारी एनाटॉमी के अंतर्गत आ जाएगी। अब हम आगे बात कर लेते हैं फिजियोलॉजी की। ठीक है, क्या हो गया, एक एनाटॉमी हो गया हमारा मेन पार्ट, उसके बाद हम क्या देखते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी, अब इस फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो फिजियोलॉजी जो होती है, फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो हमारा ऑर्गन है ये ऑर्गन किस तरह से वर्क कर रहा है, इसका जो कार्य करने का तरीका है वो किस तरह से है ना, कि अपना फंक्शन किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो जो फंक्शन होते हैं, ठीक है, फंक्शन की जो स्टडी होती है वो किस में की जाती है, तो फंक्शन की स्टडी जो होती है वो हमारी फिजियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। यानी कि फिजियोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांचेस होती है जिसमें ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट ऑर्गन के फंक्शन की स्टडी की जाती है, उसी को हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। क्लियर, अच्छी तरह से समझ में आ गया, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत छोटा सा है, बहुत ईजी सा है, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो बॉडी में हमारे सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्टमक है, ठीक है, स्टमक आपका किस तरह से काम कर रहा है, हमारा लीवर है वो किस तरह से काम कर रहा है, हमारा हार्ट है जो क्या करता है, ब्लड पंपिंग करने का काम करता है। ठीक है, तो ये सब भी किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हम उसकी जो स्टडी होती है वो हम इस फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।